नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी महासंग्राम की आज दूसरी बड़ी परीक्षा है। दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। एक तरफ मतदान हो रहा है तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि कई जगह पर उनके समर्थकों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और उनके पोलिंग एजेंट को हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ नवापुरा में बीजेपी नेता भारती घोष ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में जाने नहीं दिया गया। डेबरा सीट से उम्मीदवार भारती घोष ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का भी आरोप लगाया है। लगातार कई बार बढ़ोतरी के बाद थोड़ी राहत देते हुए तेल कंपनी ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम घटा दिया है। इसमें 10 रुपए की कटौती की गई है। अब दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर 809 रुपए का हो गया है। यह कीमत आज 1 अप्रैल से ही लागू हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज से वैक्सीनेशन का चौथा फेज शुरू हो गया है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 2 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। देश के कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार की ओर से भी राजस्थान को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 2 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है और साथ ही 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है और वह रात 11 बजे की जगह 10 बजे से लागू हो जाएगा। साथ ही अब रात 9 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। पंजाब में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर अगले हफ्ते में हालात नहीं सुधरे तो राज्य में सख्ती बढ़ानी शुरू करनी पड़ेगी। बता दें कि 8 अप्रैल को कोरोना के हालातों पर सीएम अमरिंदर सिंह मीटिंग करेंगे और उसमें ही सख्ती बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में लगा लॉकडाउन हटा दिया गया है। नागपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब यहां के प्रशासन ने लॉकडाउन हटाने का फैसला ले लिया है। नागपुर में अब राज्य सरकार के नियम ही लागू होंगे, यानी कि बाकी जिलों की तरह ही नागपुर में भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है। जौनपुर के 5 साल पुराने मामले में धनंजय सिंह ने 25,000 का इनाम घोषित होने के बाद सरेंडर किया था। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिलते ही धनंजय सिंह को फतेहगढ़ जेल से रिहा कर दिया गया। हरिद्वार में आज से महाकुंभ का आगाज हो गया है। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत फीकी रही। हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की संख्या हर बार की तुलना में काफी कम नजर आई। कोरोना संकट के बीच कुछ लोग मास्क लगाए हुए नजर आए तो कुछ सुरक्षा के नियमों से लापरवाह दिखे। कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में इस महा आयोजन को लेकर नियम काफी सख्त किए गए हैं। बिना कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट वालों को स्नान की इजाजत नहीं है। दिल्ली से मेरठ का सफर करना आज से आसान हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जनता के लिए आज से खोल दिया गया है। अभी तक सहारनपुर देहरादून उत्तराखंड जाने के लिए मोदी नगर मुरादनगर जैसे जाम भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। वहीं कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 1 वर्ष की देरी लगी, लेकिन अब ये जनता के लिए खोल दिया गया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला कभी नहीं थमता।